आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर टेट यानी कि जो टीचर की परीक्षा का पेपर था वो लीक हो गया था। अब वही बेरोजगार छात्र उस पर्चे को लेकर अपनी बेरोजगारी को लेकर जो जुलूस निकाल रहे थे लखनऊ में, वहां पर NDTV को उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रोक दिया है। गोदी मीडिया किस तरह का रोल करती है ये आपको हम बारहा बता चुके हैं कि इनको वो बातें बताने की ज्यादा आदत है या उस शौक है जिसके अंदर सरकार का गुणगान हो। लेकिन NDTV और सोशल मीडिया पर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जब सरकार की कमियों को बताते हैं तो सरकार का काम होता है कि NDTV को या तो बैन कर दिया जाए या ऐसे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी बैन कर दिया जाए। अब से पहले भी आपको याद होगा, मैं अपनी बात पे आऊंगा अभी, कि संबित पात्रा को एक मर्तबा NDTV का जो इंग्लिश का चैनल है उससे बाहर कर दिया गया था किसी बदतमीजी की वजह से, तो NDTV को शायद 24 या 72 घंटे का बैन भी झेलना पड़ा। यह सरकारों का जो एक कंट्रोल जर्नलिज्म पे होता जा रहा है, इसकी असल वजह तो जर्नलिस्ट ही हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उन्होंने अपने खुद अपना गिरेबान इनके हाथ में दे दिया, अदरवाइज वरना सरकारें हिल जाया करती थी। जब सरकार की नीतियों को जर्नलिस्ट अपने धरातल पर उतार के बताया करते थे तो सरकारों के काम काज के अंदर कथनी और करनी का फर्क नजर आता था। बहरहाल बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं लखनऊ से। लखनऊ के अंदर आपकी स्क्रीन पर खबर है कि लखनऊ में बेरोजगारी के मुद्दे पर निकल रहा था मार्च, NDTV के कैमरे को रोका गया। यूपी पुलिस ने इन लोगों को यहाँ पकड़ लिया है, आगे विधानसभा की तरफ। आप इसको मत रोकिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप हमें मत रोकिए, अपना काम करिए ना। आप इसको मत रोकिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप हमें मत रोकिए, अपना काम करिए ना। आप घर काम कर रहे हैं भाई। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। ये जो छात्र हैं ये रोज़गार की मांग को लेके विधानसभा की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। जो पुलिस है उनको रोक रही है और यहाँ पे डिटेन कर रही है। ये विधानसभा से करीबन 200-300 मीटर दूर है। उनका ये कहना है कि उनको आगे नहीं जाने देंगे। कुछ लोगों ने हमको भी रोकने की कोशिश की और हमें अपना काम करने से मना किया। आपकी स्क्रीन पर मैं खबर पढ़कर सुनाता हूं कि लखनऊ में बेरोजगारी के मुद्दे पर, जिसके बारे में कहते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 लाख नौकरियां दे दी, लखनऊ में बेरोजगारी के मुद्दे पर छात्र संगठनों ने निकाला मार्च, पुलिस ने NDTV के कैमरे को बंद करने के लिए कहा। पुलिस भी जानती है एक्चुअली कि NDTV या इस तरह के सरीखे कुछ कुछ एक प्लेटफॉर्म बाकी बचे हैं जो सरकार की आंख में आग डालकर सवाल पूछना जानते हैं। हालांकि किन हालातों से इनको इनका सामना करना पड़ रहा है, ये चैनल्स वाले या NDTV या सोशल प्लेटफॉर्म में जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वही जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जानती है कि यही वो लोग हैं जो सरकार की कमियों को बेसिकली निकाल कर दिखाएंगे, तो उसी के कैमरे को रोका गया। NDTV को बंद करने की बात की उस पर्टिकुलर मार्च से जो वहां बेरोजगार छात्र निकाल रहे थे। आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं कि लखनऊ में आज छात्र संगठनों ने एक बड़ा मार्च निकालकर बेरोजगारी TET परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र संगठन के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे जब पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया। आगे बताता हूं कि लखनऊ में छात्र संगठन ने एक बड़ा मार्च निकालकर बेरोजगारी और TET की परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने NDTV के कैमरे को बंद करने के लिए कहा। यह NDTV खुद छापता है। छात्र संगठन के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे जब पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा गरमा रहा है, लेकिन योगी जी पिछले महीने भी अयोध्या का राम मंदिर और मथुरा के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इनके तमाम उप मुख्यमंत्री जो हमने कल बताया था आपको केशव प्रसाद मौर्य, वो भी कह चुके हैं कि वहां पर कार सेवा का काम जारी अयोध्या में और मथुरा की अब की बारी। ये मुख्यमंत्री के मुंह से, भले वो डिप्टी हों, उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, और मथुरा पुलिस जो 144 लगाने का ड्रामा करती है, तो ये तो इस सहारे जो है इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा, जैसा कि लिखा है कि राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा गरमा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनकी सरकार ने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी। हालांकि इसकी संख्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के माध्यम से कभी कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सरकार के इस दावे को झूठा बता रहे हैं। उधर TET परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए बेसिक परीक्षा विभाग के निदेशक को बुधवार को उत्तर प्रदेश STF
नोएडा यूनिट ने अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये तंत्र भी शामिल है। बस फर्क इतना है कि व्यापन का घोटाला हो या बिहार का घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो, ये गोदी मीडिया मंजर आम यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मासेस यानी कि लोगों के सामने नहीं लाती है। जबकि अगर राहुल गांधी के पेट में दर्द हो जाए, उनके मुंह से कुछ निकल जाए या अखिलेश के मुंह से जिन्ना का नाम निकल जाए, तो इनको ऐसा लगता है कि हमें वरदान मिल गया कई महीने का, और अब हम जिन्ना के नाम पर इतनी लंबी पारी खेल देंगे। अमीश देवगन जैसा पत्रकार बैठेगा और वो वहां पर एक कांग्रेस का, एक आरएसएस का, एक हिंदू महासभा का, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक वो खुद भी वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ही लगता है, अपनी बातों से इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके बातें शुरू कर देगा। तो बहरहाल 14 दिन की हिरासत के अंदर इनके वो भी हो गए। अब श्याम मीरा सिंह एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी लखनऊ के अंदर जो बेरोजगारी का ये हुआ है उसको बताया है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको देने यही आए थे कि NDTV को रोका जा रहा है आप तक खबरें पहुंचाने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया में हम जैसे कुछ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो आपको इन खबरों से अवगत कराते हैं और आप लोग अप्रिशिएट भी करते हो, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपको दिखाता हूं, श्याम मीरा सिंह ये वही पत्रकार हैं जिनको आज तक से इसलिए निकाल दिया गया था कि इन्होंने मोदी जी की कुछ बात लिखी थी, मोदी जी की आलोचना की थी। अब जब पत्रकार यहां के प्रतिनिधि या प्रधानमंत्री हो या संतरी हो, अगर उसके बारे में दो शब्द नहीं लिख सकता, तो आप ये बताइए फिर पत्रकारिता का मायने क्या रह जाते हैं। इसके बारे में मैं विनोद दुआ का एक बात में एग्जांपल दूंगा, पहले खबर सुने। योगी सरकार में प्रोटेस्ट करना अपराध बन चुका है, राजधानी लखनऊ में बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर लाठी बरसाती है पुलिस। आपके आगे वीडियो है, थोड़ा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, इसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं और कौन लोग इनको जो है NDTV के पत्रकारों को रोक रहे हैं, वो देखने वाली बात है। लोगों ने क्या लिखा वो भी मैं आपको एक दो लाइन पढ़ के सुनाता हूं। डी सिंह है, वो लिखते हैं कि फर्क साफ है, रोजगार छीनना भाजपा की पहचान बन गया है, युवाओं का जीवन अंधकार में बनाना भाजपा की शान है। ये अंधभक्त ऐसे थोड़ी ना बने हैं, ये बेरोजगारी का आंकड़ा ऐसे थोड़ी ना बने हैं। जियो का डाटा देके इन जाहिलों को एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हें अंधभक्त बना दिया है, गोबर खाने पर मजबूर कर दिया इनको। इनको गाय माता का बचाना सबसे बड़ा दिखाई दे रहा, चीन घर के अंदर घुसा बैठा है, उसमें सवाल नहीं करेंगे ये लोग। चलिए खैर, ये तो हमारी व्यथा है जो कि ऑन द पेपर बता रहा हूं आपको। युवाओं का जीवन अंधकार में बनाना भाजपा की शान है, किसानों को मारना भाजपा का अभिमान है, बेरोजगार युवाओं को मरने देना भाजपा का घमंड है, लोगों के साथ अन्याय होने देना भाजपा की आदत बन गया है। ये तमाम चीजें लिखी हैं। ये लिखा है एक साहब हरि नारायण, वो लिखते हैं घंटी बजाओ, वो जो घंटी बजवाई थी प्रधानमंत्री जी ने, और थाली पीटो। थाली पीटने में कैसे कैसे पागलों का नमूना देखने को मिला था, आपने पागल हो गए थे थाली पीटने में। थाली पीटो, धरना दो, जेल जाओ, जाने दो जान दे दो ऑक्सीजन की कमी से, कोई नहीं मरा किसान आतंकवादी, SSR केस, कंगना पद्मश्री, गोड से जिंदाबाद, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला विश्व गुरु भारत आएगा तो आत्मनिर्भर मोदी ही अच्छे दिन आ गए हैं। इन्होंने 5-7 चीजों का अपने शब्दों में बताया है कि घंटी बजाओ, ताली पीटो, धरना दे दो, जेल जाओ, जान दे दो ऑक्सीजन की कमी के कारण। देखा होगा आपने, कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से तो मौत ही नहीं हुई, यही तो कहा था भारत सरकार की मंत्री ने। चलिए खैर, हम आपको बता रहे थे कि NDTV को रोका गया है कवर करने के लिए, ताकि योगी आदित्यनाथ सरकार की ये वाली कमी ना खुल के आ जाए कि बेरोजगारी का हद क्या है। अब इस तरह से जर्नलिज्म पर जब पहरे होंगे, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। विनोद दुआ इन दोनों हॉस्पिटल में बहुत बड़ा नाम है, पत्रकार की दुनिया का भीष्म पितामह कहा जाते हैं। उनके बारे में एक शब्द बता देता हूं आपको कि राजीव गांधी के जो सचिव थे, उन्होंने विनोद दुआ का दूरदर्शन पे एक शो देखा और उसके बाद कहा कि राजीव जी आपको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, आपसे तो एक पत्रकार दूरदर्शन पे ऐसे सवाल पूछता है जो विपक्ष का सारा काम करता है। और आज का पत्रकार क्या कर रहा है, आज का पत्रकार ये कर रहा है कि आप आम कैसे खाते हैं, आपके अंदर कोई फकीरी है, आपके अंदर इतना एनर्जी कैसे आ जाती है, सारे सवाल लिख करके शायद दे दिए जाते हैं और मोदी जी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। 7 बरस में एक इंडिपेंडेंट PC प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं